सब्सक्राइब कीजिए अ कॉमन मैन को और बेल आइकन को दबाइए सभी वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? यार, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आने में लेट हो गई थोड़ा सा। ये मंडे की मॉर्निंग को अपलोड होनी थी और ये हो गया वेनसडे की मॉर्निंग को अपलोड, तो इसके लिए सॉरी। और मैं श्योर करता हूँ कि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी इस पार्ट की, वो मंडे की मॉर्निंग जो कि मेरा एश्योर्ड पार्ट है उसमें आएगी, और उसमें मेरे को कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं दिसंबर 2019 के वीक 2 के करंट अफेयर्स। और खुशी की बात ये है, अच्छी बात ये है कि 25 क्वेश्चन मैंने पिछली बार की वीडियो में रखे थे और इस बार ये क्वेश्चंस बढ़ करके होने वाले हैं 50। तो मैं बहुत ही स्पीड से और बहुत ही जल्दी से एक एक क्वेश्चन को कवर करूंगा पूरी डिटेल के साथ, और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, थोड़ा सा फॉर्मेट के साथ इश्यू हुआ है यहाँ पर जब मैं ट्रांसफ़र किया हूँ इसको मैं अपने आईपैड में, बट आई थिंक पीपल कैन स्टिल बियर इट विद मी, क्योंकि ये हार्डली 6-7 क्वेश्चंस के साथ ही ऐसा है। विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली एट द साउथ एशियन गेम्स 2019? और इसका आंसर है इंडिया, सी कलकत्ता। एंड द थिंग इज कि साउथ एशियन जो गेम्स हैं वो 13th हुए हैं इस बार, 13th मैं कहूँगा। And India has topped the medal tally with the 312 medals, and Nepal was the host region. तो मैं कहूँगा यहाँ पे second number पे जो है वो श्रीलंका ने third rank आया है, और नेपाल का second rank आया, और इंडिया का first rank आया है। Who was crowned as the Miss Universe 2019? और इसका आंसर है बी बॉम्बे, जोजिबिनी टुंजी, एंड शी इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एंड इंडियन जो पर्सन है वो भी वर्तिका, वो पार्टिसिपेट की थी, वो नहीं आ पाई है टॉप 3 में, एंड जोजिबिनी टुंजी हैज़ वॉन द मिस यूनिवर्स 2019। Who among the following was chosen by the Time magazine as a person of the year? इसका आंसर होगा ग्रेटा थैनबर्ग, उसको हम सभी जानते हैं। शी इज़ अ स्वीडिश एक्टिविस्ट, और वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के उसकी जो स्पीच हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, एंड शी हैज़ बीन इन द न्यूज़ सिंस लॉन्ग। शी वॉज फेमस ड्यू टू हर एग्रेसिव एंड इन्फ्लुएंसिव स्पीचेज एंड रिगार्डिंग एट UN क्लाइमेट एक्शन समिट दिस ईयर, एंड शी बिलोंग्स टू स्वीडन एंड शी इज 16 ईयर्स ऑफ एज। विच कीवर्ड वॉज द मोस्ट सर्च इन इंडिया फॉर द ईयर 2019? इसका आंसर है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। आई डोंट थिंक इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है। 2.6 बिलियन लोगों ने वर्ल्ड वाइड इस गेम को देखा, एंड इट वॉज अ प्लेजर फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इस गेम को इतना पसंद किया जाता है। हुज ट्वीट वॉन इंडियाज गोल्डन ट्वीट ऑनर फॉर 2019? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। उनका जो ट्वीट था जो कि बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई लोकसभा इलेक्शन 2019 के अंदर, उस ट्वीट को गोल्डन ट्वीट ऑनर का अवार्ड मिला है। Who will become the world's youngest serving prime minister? तो इसका जो आंसर है that is सना मारिन, and सना मारिन belongs to what I can say, she is from Finland, and she is the third female head of the government and the youngest prime minister ever. She belongs to Social Democratic Party. The Constitution 126th Amendment Bill proposes to extend the reservation quota for SCS and STS, SCs and STs basically, in the legislature by how many years? तो कितने साल के लिए बढ़ाया गया? उसका आंसर है वो है 10 years, 10 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है इंडिया के अंदर, पार्लियामेंट का डिसीजन ये हो गया है। निर्मला सीतारमन वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन इन द लिस्ट of the world's most powerful women released by Forbes recently? इसका आंसर है 34th। तो जो निर्मला सीतारमन है जो कि फिनेंस मिनिस्टर है, शी हैज़ बीन रैंक 34th इन द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स आउट ऑफ 100 पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। एंड जर्मन जो चांसलर है एंजेला मर्केल, शी इज़ एट द टॉप। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल इज एट टॉप। India was ranked at which position in the Climate Change Performance Index 2019? And the answer is C9th. So, जो इस ये रैंक है ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 है, एंड इट रैंक हैज़ बीन रिलीज्ड एट, मैं बोलूँ तो COP, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है COP 25 पर यह रैंक रिलीज हुआ है, जो क्लाइमेट समिट होता है बेसिकली, और ये इस बार हुआ है मैड्रिड
स्पेन में इम्पोर्टेंट है, इंडिया की रैंक क्या है, कहाँ पर ये हुआ है, कहाँ पर ये हुआ है, किस में ये हुआ है, COP क्या है, और ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक समिट होती है, ये इम्पोर्टेंट है। विच पार्टी वन द मेजोरिटी इन द UK इलेक्शन 2019, इसका आंसर है कंजर्वेटिव पार्टी, और जो बोरिस है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी, एंड बेसिकली दिस वॉन इज दिस विनिंग दिस विन इज पेविंग द वे फॉरवर्ड फॉर द स्मूथ ब्रेक्सिट। सराई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वॉज इनग्रेटेड इन विच स्टेट, तो इसका आंसर होता है डी दिल्ली, डी दिल्ली नहीं मतलब उत्तराखंड, डी इसका आंसर होता है। 14 MLD का एक STP जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो हरिद्वार में इनग्रेट किया गया है, एंड इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि हाइब्रिड NVT मॉडल होता है जो कि PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर आता है, उसके अंतर्गत इसको इनग्रेट किया गया है। रिसेंटली इनाग्रेटेड अवंती मेगा फूड पार्क इज लोकेटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस, इसका जो आंसर है वह है मध्य प्रदेश का देवास, बी बॉम्बे। जो यूनियन मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग की, हर सिमरत कौर बादल, उन्होंने इनाग्रेट किया है इसको। इसमें खर्चा करीब 150 करोड़ का, और ये करीब 51 एकड़ के अंदर फैला हुआ फूड पार्क है। इंदिरा इज अ जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो इसका आंसर हो जाता है रशिया, रशिया और इंडिया का ये है, और ये पुणे और गोवा में होने वाला है करीब 10 दिन के लिए। इसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों ही जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है स्ट्रेटजिकली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which education board in India is going to introduce the AI in the school from session 2019-20? इसका आंसर हो जाता है CBSE। So AI has been introduced in class 9th. Center has also launched 12 hours of Inspire module in which the students can take up with the studies from, or I can say कि 8वीं कक्षा से ही जो विद्यार्थी हैं वो AI को समझ सकते हैं उस मॉड्यूल के थ्रू। According to a recent report, which country has recorded the highest estimated number of cervical cancer death in 2018? उसका आंसर है इंडिया। इंडिया और चाइना दो ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर ये मैक्सिमम पाया गया है, और अगर मैं कंबाइन करूँ 35% ऑफ द ग्लोबली जितने भी सर्विकल कैंसर के अंदर डेथ हुए उसके 35% इंडिया और चाइना में कंपोजिट तौर पर पाए गए हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज बींग ऑब्जर्व ऑन विच डेट, इसका आंसर होता है December 7th, एंड बेसिकली इट वाज इन 1996, ईयर ऑफ 1996 दैट UN जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। विच लैंग्वेज हैज रिसेंटली यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन राज्यसभा, इसका आंसर है सांथली। और ये जो लैंग्वेज है ये एक उड़ीसा को बिलोंग करती है, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं मतलब जो ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा हैं वो लोग इसको बोलते हैं, ये स्पेशल काफ़ी लैंग्वेज वहाँ की, और इट हैज़ बीन यूज्ड इन राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। विच मोबाइल गेम हैज़ क्रॉस्ड 170 मिलियन डाउनलोड इन जस्ट 2 मंथ्स ऑफ इट्स रिलीज, इसका आंसर है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, COD मोबाइल। काफ़ी लोगों ने ये खेला होगा इसलिए लोग जानते हैं कि ये बहुत ही फेमस गेम है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तो इसका जो आंसर है वो होता है पंजाब। पंजाब की गवर्नमेंट और WEF ने मिल करके एक पब्लिक प्राइवेट एक प्रोग्राम एक चालू किया है दैट विल शेयर और द प्रमोट द क्लीन एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एंड बेसिकली द स्टेट इज़ प्रिपेयरिंग इट्स ओन EV पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी टू सपोर्ट द अडोप्शन ऑफ द EV इन द फ्यूचर। विच सिटी ऑर्गेनाइज द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2019, so answer here is New Delhi. Well, I can say this is Delhi and the answer is Delhi, New Delhi. The nurses play a vital role in delivering the quality and cost effective, जो nurses को लेकर के जो होता है ये award, this is the cost effective healthcare, additional multiple health challenges हैं, responsibilities हैं, and बहुत सारी health emergencies को लेकर के जो needs हैं families में और communities में उनको पूरा करने के लिए जो nurses को दिया गया है। Who has been appointed as a senior security advisor in the home ministry, उसका आंसर है K. Vijay Kumar।
कुछ अगर उनके बारे में बताना चाहूँ तो ही इज़ अ रिटायर्ड आईपीएस ऑफ 1975 बैच. ही हैज़ बीन हेडिंग द डायरेक्टर सीआरपीएफ एंड डायरेक्टर नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद इन द पास्ट. द फोर्थ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट वॉज बींग ऑर्गेनाइज इन विच सिटी. सो द आंसर ही इज न्यू डेली. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसके अंतर्गत ये आता है. द सेंटर फॉर द गंगा रिवर बेसिन जो मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ है उसके अंडर ही आता है. इट हैज़ बीन लेड बाय द आईआईटी कानपुर एंड द थीम हियर इज़ वैल्यूइंग वाटर ट्रांसफॉर्मिंग गंगा. आई विल रिपीट, द थीम हियर इज़ वैल्यूइंग गंगा, वैल्यूइंग वाटर एंड ट्रांसफॉर्मिंग गंगा. वी कैन प्रोसीड फर्दर. According to recent report, which police station is the best police station of the India? The answer here is Aberdeen police station, and it belongs to Andaman and Nicobar Island. And jo rank ko banaya gaya hai, that depends upon various factors like number of offences in the area, property ke dispute kaise hai wahan par, crime women pe kitna hai, weaker jo section hai us par crime kaisa hai. To in sabhi factors ko dhyan mein rakhte hue एक जगह पहुंचा गया है. एंड दिस पुलिस स्टेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट ऑफ अमन. विच स्टेट हैज लॉन्च द एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड्स इन फॉरेस्ट टू अवॉइड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स. तो इसका जो आंसर है वो होता है असम. सो असम के अंदर एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड को अपॉइंट किया गया है. वहां पर काफी हाथियों को लेकर के और ह्यूमन को लेकर के एक संघर्ष चल रहा था जहां पर शिकार भी होते थे. तो उन सब चीजों को देखते हुए इसका गठन किया गया है. Which railway station has become the 5500th station of India to get free Wi-Fi facility? हम लोग देखते हैं स्टेशन पे जाते हैं तो रेल वायर करके जो Wi-Fi अवेलेबल होता है दैट इज़ द फ्री Wi-Fi फ्रॉम रेलवे. सो वो अभी यहाँ पर आया है आपका मोहम्मिलन रेलवे स्टेशन जो कि झारखंड में पड़ता है. Which state has distributed free laptop to +2 meritorious student under the Biju Shaktikaran Yojana? तो बिजू का तो हमको श्योर है बॉस कि ओडिशा ही होने वाला है इसका आंसर. तो ओडिशा ने जो प्लस टू के हैं उनको दिए गए हैं. करीब 90,203 स्टूडेंट्स को कवर कर दिया जा चुका है अब तक इस स्कीम के अंडर. The provisions of the Citizenship Amendment Bill 2019 are not applicable to tribal areas of which state? So the answer here is Meghalaya. शेल दिस बेसिकली तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है और आई बटन यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक वीडियो में ऊपर की तरफ. इसको अगर आप देखेंगे तो मेरे जो CAA और NRC को लेकर के जो करंट डोज मेरी कैटेगरी के अंडर जो वीडियोस बने हैं उसको आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे. एंड दिज आर वेरी इंफॉर्मेटिव. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दैम. सो यहाँ पर मैं बात करूँगा बेसिकली दिस विल नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा. And this has been included in the schedule, sixth schedule of the constitution. चलते हैं question number 28 पे. Who has been appointed as the new chairman of National Stock Exchange? तो let me give you a second to think about this question. Why I'm giving a second? Sometimes it becomes imperative to give a second to the people who are listening to a video. The answer is the Girish Chandra Chaturvedi, and it is the D Delhi. So we can move to next question. Fifth edition of the annual Mediterranean dialogues in being held in which city? The answer is Rome. And the fifth edition of MED, jo annual high level conference hota hai promote karne ke liye, it is basically jo kiya jata hai ye Ministry of Foreign Affairs and Intellectual Cooperation ki taraf se kiya jata hai. The conference jo hota hai that is been built upon the shared prosperity, shared security, migration and civil society and culture. Global Migration Report 2020 is published by which organization? International Organization for Migration. India is one of the member, I can say, and it continues to be the largest country of origin of international migration of around 17.5 million strong diaspora out of India. The Diwali, the Power of One, 2019 awards were organized in which city? So answer here is New York. Char eminent diplomat has been honored. Like four eminent diplomat has been honored with the Diwali Power, this award. And it has been awarded in the recognition of work, especially at the United Nations for Security and Peaceful World.
विच कंट्री हैज रिसेंटली रिकॉर्डेड द फर्स्ट पोलियो केस इन 27 ईयर्स? तो इसका जो आंसर है वो मलेशिया। इससे पहले करीब 1990 के अंदर मलेशिया के अंदर कुछ केसेस को दर्ज किया गया था और उसके बाद से ऐसे कोई भी केसेस को दर्ज वहां पर नहीं किया गया है। हु हैज वॉन द मिस यूनिवर्स 2019 टाइटल? इसका आंसर आ चुका है पहले, जोजिबिनी टुंजी, एंड इंडिया की जो वर्तिका सिंह है जो मैंने पहले भी कवर किया है, she has not won but she is the miss india right now. chalte hain agle question ki aur. who has been recently elected the youngest ever pm of finland? iska answer hai sana marin. international anti corruption day is being observed on december 9 under which theme? so iska jo theme hai united against corruption. so 9th december को जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे को सेलिब्रेट किया जाता है इसका जो थीम है वो है यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विच सिटी इन कर्नाटका रिसेंटली कंडक्टेड अ ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट? आंसर है मैसूर। सो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज स्प्रेड अक्रॉस द वेरियस मेट्रो सिटीज जैसे कि हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, एंड द इवेंट एम्स टू जनरेट ग्रेटर ह्यूमन कोहेजन अक्रॉस द सोशल, रिलीजियस एंड एथनिक डाइवर्सिटी। अलग अलग डाइवर्सिटीज के अक्रॉस एक सामंजस्य बने, एक सौहार्द बने, उसके लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। द फेमस पिलग्रिमेज सेंटर ओमकारेश्वर रिसेंटली न्यूज बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? आंसर इज मध्य प्रदेश। एंड 156 करोड़ रुपया अप्रूव हुआ है इसको डेवलप करने के लिए ओमकारेश्वर। अकॉर्डिंग टू आर रिसेंट रिपोर्ट विच इंडियन रिवर हैज बिकम वन ऑफ द टॉप 10 क्लीनेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? और इसका आंसर है गंगा। और बहुत प्राउड होना चाहिए हमको अगर ये सच है तो, मतलब आई डाउट। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अनाउंस किया है एट 4th इंडिया इंपैक्ट समिट 2019 विच वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कौन सा 4th इंडिया इंपैक्ट समिट जो कि नई दिल्ली में हुआ, एंड गंगा हैज बीन द वन ऑफ द क्लीनेस्ट इवेंट टॉप 10। विद द सैटेलाइट डोसीफैट 3 विच इज टू बी लॉन्च फ्रॉम इंडिया बिलोंग्स टू विच कंट्री? इसका आंसर है इसराइल। इसराइल के करीब 3 स्टूडेंट 16-17 साल के एज के दैट आर बेसिकली ट्रेवलिंग टू इंडिया टू लॉन्च दिस सैटेलाइट्स एंड दे आर वेरी ईगर टू डू दिस। सोहाई सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के लिए स्ट्रेटजिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है टू व्हाट आई से कि उनको जो 31 दिसंबर के बाद में जाकर के एंड जो डी निक्लेरेशन के टॉक्स चल रहे थे यूएस के उनके, सो बिफोर दैट 31st ऑफ दिसंबर कम्स दे आर ट्राइंग टू पुट दैम इन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन और उसके लिए ये किया जा रहा है। Human Rights Day is celebrated on which date? इसका आंसर है December 10th. And Human Rights Day है जो उसको celebrate करते हैं annually across the world on every year. And the date has been chosen to honor the United Nations General Assembly का adoption and proclamation. तो 1948 से इसको किया जा रहा है. And first global जो हुआ था Human Rights Day, it was one of the major achievement of the United Nations ever. चलते हैं अगले question की ओर कि what is India's rank in Human Development Index 2019? ये important है हर exam के लिए। The answer is 129. India ने एक sport climb कर लिया है 129 पे आ गए 130 से among 189 countries, among कितना 189 countries में से 129 पे इंडिया है। एंड 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के अंदर, HDI पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम देखेंगे कि HDI क्या है डिटेल में। इंडिया में करीब 27 करोड़ लोग वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम इन 2005-06 से लेकर के 15-16 तक, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इंडिया चैप्टर इज रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव शोको नोडा ने ये कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच सिटी इज होस्ट टू द ब्लॉकहैश लाइव इवेंट 2019? इसका आंसर है कोच्चि। एंड द
what I say, top jo blockchain experts hain and the thought leaders from around the world will take part in the 2-day conclave block hash live 2018 jo ki Kochi mein ho chuka hai December 12 se. So I am basically making this video in the future, so past events se jo cover hue hain. Sorry. Visit is to organize transforming education conference for humanity 2019. So the answer here will be Vishakhapattanam. So 3 din ka ek tech program transforming education conference for humanity 2019 ko organize kar raha hai jointly by United Nations Educational Scientific and Research Organization UNESCO and Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development MGIEP. It will be organized in Visakhapatnam. So who became the first to play 150 Ranji matches? Vaseem Jafar. Isme mereko kuch batane ya explain karne ki zarurat nahi hai. Chalte hain agle question ki aur. Who is to get the Gangadhar National Award 2019? Aur iska jo answer hai wo Vishwanath Prasad Tiwari. He is an eminent Hindi poet and has been honored with prestigious Gangadhar National Award during 53rd Foundation Day celebration of the Sambalpur University. Sambalpur University. Which city organized the Fikki Arise Conference 2019? And the answer here is New Delhi. So answer here is New Delhi. Fikki Arise Conference in New Delhi on December 9-10. The theme is Future Ready Learners and Schools. Future Ready Learners and Schools. Inaugurating the Fikki Arise Conference on School Education, Venkaiah Naidu, jo ki hamare Vice President, has been called for value education based and said the education is not just for the employment but also for the empowerment and enlightenment of the individuals. Move to next question. Who is the famous Sesame Street puppeteer that recently passed away? The answer is Carol Spinney. I don't think उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमको he is big, he is a big bird and Oscar crows to life, but उसके बारे में उतना जानने का हमको ज़रूरत शायद नहीं होगा. Which country recently abolished rules requiring restaurant to provide separate entrance for women? बहुत ही strange है सुन करके, लेकिन इसका जो answer है वो है Saudi Arabia. Let us not discuss much on this and we shall move to our last question for today, which is MOU has been signed with NSIC and Armaco for the development of MSME ecosystem in India in oil and gas sector. Armaco belongs to which country? And undoubtedly it belongs to Saudi Arab. ये oil की सबसे बड़ी company है दुनिया की, और अभी अभी Armaco का और Reliance Industries Limited के अंदर एक deal हुआ है जिसमें RIL ने 20% disinvest कर दिया है अपने को Armaco को. तो दोस्तों इसी के साथ हम आज के करंट अफेयर्स को खत्म करते हैं. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे. मेरा पहला अटैम्प्ट था 50 क्वेश्चन बनाने का, अगली बार भी 50 ही क्वेश्चन आएंगे और बेटर वे में प्रेजेंट करूंगा और अच्छा फॉर्मेट होगा. तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को, पसंद करते रहिए, उनको लाइक करते रहिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. और सबसे ज़रूरी, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना यार दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू.